अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं आपके साथ अपनी गिफ्ट कलेक्शन शेयर करने जा रही हूँ। और आपको पता है कि गिफ्ट हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं क्योंकि कभी भी हम अपने किसी पुराने गिफ्ट को खोल के देखते हैं तो उससे जुड़ी तमाम यादें हमें जो है वो हमारे माइंड में दोबारा से, यानी कि ये गिफ्ट हमें कब मिला था, किसने दिया था, किस मौके पर मिला था और उस मौके पर हमने कितना फ़न किया था, वो सारी चीज़ें जो है वो सारी मूवी दोबारा से हमारे माइंड में चलना शुरू हो जाती है, हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तो इसलिए गिफ्ट्स बड़े प्रीशियस होते हैं। सो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ जो मेरे पास अभी सेव हैं। ये मेरा गिफ्ट मुझे मेरी एक स्टूडेंट सुंबल ने दिया था, उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और इंशाल्लाह वो मेरी वीडियो देखेगी, तो थैंक यू सो मच सुंबल। उसने और भी काफ़ी सारे मुझे गिफ्ट दिए हैं बट ये अभी तक मेरे पास सेव है, थैंक यू सो मच सुंबल। ये एक और गिफ्ट है, ये आई थिंक ये भी मुझे किसी कोलीग ने दिया था या किसी स्टूडेंट ने दिया था, मुझे सही से याद नहीं है बट थैंक यू सो मच, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है इसलिए अभी मुझे याद नहीं है बट मैंने इसको सेव रखा हुआ है। रखना चाहिए सेव क्योंकि इनसे जुड़ी यादें बहुत कीमती होती हैं गिफ्ट से भी ज़्यादा। तो ये एक और वास है छोटा सा जो मेरी एक कोलीग ने मुझे दिया था, ये भी अभी तक मेरे पास सेव है। उसके बाद ये एक परफ्यूम है, ये भी मुझे गिफ्ट की थी मेरी किसी फ्रेंड ने, ऑलमोस्ट डन है, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ बट मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है एक मेमोरी के तौर पे। इसके अलावा ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया और ये उसका पहला गिफ्ट है, ये भी ऑलमोस्ट डन है, ये भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ बट ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है क्योंकि ये उसका पहला गिफ्ट था तो याद के तौर पे मैंने इसको सेव रखा हुआ है। और एक और गिफ्ट ये भी मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया है और ये भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ बट ये भी मैंने एक याद के तौर पे इसको सेव करके रखा हुआ है। ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है, ये वॉच है जो मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने, बहुत प्यारी सी स्टूडेंट है मेरी सुमैरा, उन्होंने गिफ्ट किया, उन्होंने और भी काफ़ी सारे गिफ्ट किए हैं मुझे बट ये मैं शो कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी यूज़ नहीं की और मैंने संभाल के रखी हुई है। थैंक यू सो मच सुमैरा तुम्हारे तमाम गिफ्ट्स के लिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखने के लिए। ये जो एक आई शेडो पैलेट है ये मुझे मेरी फ्रेंड्स ने दिया था, थैंक यू सो मच किरण, उसका मैं नाम मेंशन कर देती हूँ क्योंकि उसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वो वीडियो देखेगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये उसका गिफ्ट अभी तक मेरे पास सेव है, थैंक यू किरण। और ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, इसको बड़ा अच्छा ये इसका यूज़ है। उसके बाद ये एक डायरी है जो मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे दी है, ये भी बड़ी प्यारी है, ये मेरे यूज़ में नहीं है बट मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है क्योंकि ये स्टूडेंट्स का प्यार होता है जो अपने टीचर से वो करते हैं, शो करते हैं, गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती बट फिर भी अगर उन्होंने दिया है तो हमें संभाल के रखना चाहिए। ये भी एक स्टूडेंट ने मुझे गिफ्ट किया था, ये भी मैंने यूज़ किया बट मैंने संभाल के रखा है। ये बैग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये भी मेरी कोलीग्स ने मुझे दिया था, सो ये भी मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है मैंने क्योंकि ये यूज़फुल चीज़ें हैं, इनको यूज़ करना चाहिए, यूज़ के लिए दी जाती हैं बट संभाल के रखना भी एक हमारे लिए ज़रूरी है। ये एक गिफ्ट है बड़ी मेहनत से, सॉरी ये कार्ड है बड़ी मेहनत से बनाया गया एक स्टूडेंट की तरफ से और उसने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, थैंक यू सो मच सब स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुझे ये गिफ्ट्स दिए। ये भी बड़ा बड़ी मेहनत से बनाया गया, स्टूडेंट सारे अपने हाथों से बनाते थे ये कार्ड्स और इसमें ये बड़ी मेहनत से मेरा नाम लिखा है स्टूडेंट ने, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी गिफ्ट कलेक्शन पसंद आई होगी, कुछ मैंने शेयर किए हैं तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू सो मच।